हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कौन कौन से पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स बनते हैं। आज हम लोग सेम चीज पढ़ेंगे, बट अब हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए सेट ऑफ क्यू के लिए इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी में कौन कौन से पॉइंट्स क्यू के लिमिट पॉइंट्स बनाएंगे और कौन कौन से पॉइंट्स क्यू के लिमिट पॉइंट्स नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले उन्हें दो बातों को याद करेंगे। आपको पता है कि यदि एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस हो और ए कोई एक्स का सबसेट हो, तो पहली बात स्पेस के पॉइंट ही ए के लिमिट पॉइंट बनते हैं। दूसरी बात, x को सेंटर मान करके अगर r रेडियस का ओपन स्पेयर आप बनाते हैं उसकी डेफिनेशन के लिए, तो ये कंडीशन फॉर एवरी r ग्रेटर देन जीरो के लिए होल्ड होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि r के कौन कौन से पॉइंट्स q के लिए लिमिट पॉइंट बनेंगे और कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। इस बात को चेक करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, दो बातें होती है यहाँ पे। ये जो प्रोसीजर आपने लिखा है ये दो चीजों को मेंशन करता है। पहली चीज को ये मेंशन करता है कि x जो कैपिटल x का एलिमेंट है वो a का एलिमेंट हो भी सकता है और दूसरी बात a का एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इन दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर x कॉमा डी हमारा मैट्रिक स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है, तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए दो मतलब, या तो एक्स ए में पाया जाए या तो एक्स ए में ना पा करके उसके बाहर पाया जाए। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी पे हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। चलिए अब देखते हैं। इस आर्टिकल को बताने से पहले मैं आप लोगों को सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते, क्योंकि होता क्या है बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ी क्लास में अप्रोच कर जाते हैं लेकिन उनको इन तीनों में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। पहली चीज, अगर हम लोग क्यू के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज क्यू, तो क्यू को बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू के लिए कहा जाता है क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। IR के बारे में कहा जाता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, अब बात यह होती है कि इसके एलिमेंट्स की पहचान क्या होती है। कहते हैं वो एलिमेंट्स जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखे गए हैं, जहां Q हमारा जीरो के बराबर नहीं है और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, ऐसे फॉर्मेट में लिखे गए नंबर्स को हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। ये परिभाषा आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ी थी। फिर बात आती है सेट ऑफ इरेशनल नंबर की, तो छोटे बच्चे क्या कहते हैं, विच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो आपका इरेशनल है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये बात कहां तक सत्य है, क्या ये सही बात है कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, क्या इरेशनल की खुद की कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है। उसके लिए हम लोग इस परिभाषा को थोड़ा सा अब चेंज करते हैं। कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल दीज नंबर आर कॉल्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर। मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं। टर्मिनेट कर जाते हैं मतलब वो दशमलव के दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक तक ही आते हैं और उसके बाद उनपे विराम लग जाता है। और साथ ही साथ रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग का मतलब 2.99999, हमने देखा दशमलव के पांच अंकों तक 999 रिपीट कर दिया, रुक गया मतलब टर्मिनेट कर गया, रिपीट कर रहा है दैट मीन्स रिपीटिंग है। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक इसी की तरीके से इसकी परिभाषा दी गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, मतलब दशमलव के बाद बढ़ते चले जाते हैं, जैसे रूट थ्री 1.732 डैश 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 डैश, कहां तक ये जाएगा ये हमको नहीं पता, मतलब वो रुकते नहीं है डेसिमल के बाद, और डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते, जैसे 1.732 टू के बाद भी जितने नंबर्स आएंगे वो रिपीटेशन में नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जब हम इस रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर इज सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरी बात, सेट ऑफ रियल नंबर में जो रेशनल नहीं होंगे उनको इरेशनल कहेंगे, जो रेशनल इरेशनल नहीं होंगे उसको हम लोग रेशनल की संज्ञा देंगे। ये केवल सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही होल्ड करता है। अब बारी आती है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ क्यू इन यूजुअल मैट्रिक्स में स्पेस, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ क्यू इन यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आर कॉमा डी में लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ क्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से ये दोनों केस लेकर के चलेंगे। पहला एलिमेंट हम क्यू का ही लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम क्यू में नहीं लेंगे, और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वास्तव में क्यू के लिमिट पॉइंट बना रहे हैं या क्यू के लिमिट पॉइंट नहीं बना रहे हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग केस लेकर के चलते हैं, केस फर्स्ट में हम करेंगे क्या, उस एलिमेंट को लेंगे जो क्यू में पाया जाएगा। क्यू के एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया गया ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होता है। मान ले रहे हम कोई आर्बिट्रेरी रेशनल नंबर लेकर के चल रहे हैं 1/2 बिलोंग्स टू क्यू। अगर इस 1/2 को क्यू का लिमिट पॉइंट बनना है तो उसके लिए 1/2 को सेंटर मान करके आर्बिट्रेरी रेडियस का ओपन स्क्वायर बनाएंगे, और जब हम Q से इंटरसेक्ट कराएंगे तो 1/2 को बाहर निकालने के बाद ये वैल्यू आपके नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आती है तब उस केस में 1/2 Q का लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज 1/2 Q का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एप्साइलन क्यों लिया गया उस बारे में समझिए। देखिए एप्साइलन एक आर्बिटेरी बहुत छोटी रेडियस होती है, बहुत छोटा नंबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे इस चीज का क्या सेंस हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारा आर कॉमा डी या एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, इसमें हमने कोई सबसेट ले लिया है क्यू, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ए इज इक्वल टू क्यू। अगर एक्स ए में पाया जा रहा है और एक्स को सेंटर मान करके खींचा गया छोटा सा ओपन स्पेयर ए से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा, तो जाहिर सी बात है इसी पॉइंट को सेंटर मान करके हम कितना भी बड़े से बड़ा ओपन स्पेयर क्यों ना खींच ले वो भी हमेशा ए से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। मतलब अगर एक्स को सेंटर मान करके छोटा सा ओपन स्पेयर बनाए और वो क्यू से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देता है तो बड़े से बड़ा ओपन स्पेयर तो ऑब्वियस है कि वो इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। यही एक अकेला रीजन है जिसमें हम x को सेंटर मान करके जो ओपन स्पेयर खींचते हैं वो बहुत छोटी रेडियस का खींचते हैं, क्योंकि अगर कोई कंडीशन छोटी के साथ होल्ड होती है तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली बड़े के साथ तो होल्ड करेगी ही करेगी। अब हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हम यहाँ पे रेशनल नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। बीच में मैंने जीरो रख दिया, इधर की तरफ 1, 2 एंड सो ऑन, इधर की तरफ -1, -2 एंड सो ऑन। अब 1/2 यहाँ पे आपके पाया जाएगा, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, हम क्यू में बिलोंग करता हुआ दिखा देते हैं। अब की क्या होगा, 1/2 को सेंटर मान के पर ये एप्साइलन रेडियस का ये ओपन स्पेयर बनाया गया है। आपको पता है यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर की वैल्यू ओपन इंटरवल आती है 1/2 माइनस एप्साइलन कॉमा 1/2 प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन क्यू, साथ में आएगा -1/2। ये ओपन इंटरवल है हमारा 1/2 माइनस एप्साइलन, ये हमारा पोर्शन है 1/2 प्लस एप्साइलन, इसको मैं डॉटेड से शेड कर दे रही हूँ, ये हमारा ये इंटरवल हो गया। अब इसको हम लोग क्यू से इंटरसेक्ट करा रहे हैं,
देखिए एप्साइलन जुड़ने के बाद क्वांटिटी हमारी रेशनल रहती है कि इरेशनल, ये हमको नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इन दोनों के लिए मैं ये जोड़ रही हूँ कि ये दोनों रियल नंबर है। ये टोटली डिपेंड करेगा एप्साइलन की वैल्यू पे। अगर एप्साइलन कुछ ऐसा होगा कि वो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जोड़ करके एड होकर के रेशनल नंबर देंगे। लेकिन अगर एप्साइलन आपका इरेशनल होगा तो इरेशनल और रेशनल जुड़ने के बाद इरेशनल नंबर देंगे। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये क्या, इसको मैं रियल नंबर की संज्ञा दे रही हूँ। आप जानते हैं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। ये भी हमारा रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर पाए जाते हैं। इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं जिसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं क्यू से और 1/2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब देखिए इज इक्वल टू इनफाइनाइटली मेनी रियल में से जब आप रेशनल को बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइटली मेनी रेशनल आपको मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल मिलेगा। और उस रेशनल में से जब आप 1/2 को बाहर निकाल भी देंगे तो भी ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 5 आएगी। मतलब आपने क्या देखा, 1/2 के लिए ये पूरा प्रोसीजर करने पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आ रही है, इसका मतलब 1/2 क्यू का लिमिट पॉइंट है। इसी तरह से हम कोई भी अदर रेशनल नंबर लेकर के ये चेक करेंगे तो सेम यही चीज हमको मिलेगी। और फाइनली हम ये देखेंगे कि हर एक रेशनल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट बना रहा है। दैट मीन्स जब क्यू डैश की बात करेंगे तो क्यू डैश में क्यू तो पाया ही जाएगा, मतलब हर एक रेशनल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट बनाएगा, हर एक रेशनल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट बनाएगा। सेकेंड केस अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड केस में हम लोग करेंगे क्या कि उस नंबर को लेकर के चलेंगे जो कि हमारा रेशनल नंबर नहीं है। केस टू, केस टू में हम कहेंगे लेट, चलिए वो नंबर लेकर के चले जो ए में नहीं पाया जाएगा। अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी जो क्यू में नहीं पाया जाएगा वो आईआर में पाया जाएगा। मान ले रहे हम रूट टू लेकर के चल रहे हैं। रूट टू एक ऐसा नंबर है जो क्यू में नहीं पाया जाएगा लेकिन वो आर में पाया जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये रूट टू ही क्यू का लिमिट पॉइंट बनाएगा। अगर ये रूट टू क्यू का लिमिट पॉइंट बनाएगा तो ऐसे सारे बाकी नंबर जो क्यू में नहीं होंगे वो भी क्यू का लिमिट पॉइंट बनाएंगे। अभी मैंने कहा जो क्यू में नहीं होते हैं वो आई आर में होते हैं, मतलब ये रूट टू कहाँ का मेंबर होगा, आई आर का। हम देखना चाहते हैं क्या इरेशनल नंबर भी क्यू के लिमिट पॉइंट बना रहे हैं। उसके लिए अब हम करेंगे क्या, रूट टू को सेंटर मान करके एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे। क्योंकि क्यू का लिमिट पॉइंट दिखाना तो क्यू से इंटरसेक्ट कराएंगे और रूट टू को बाहर निकालेंगे। आपको पता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है, ये मिलेगा आपको रूट टू माइनस एप्साइलन कॉमा रूट टू प्लस एप्साइलन। इसको इंटरसेक्ट कराना है हमको क्यू से और साथ ही साथ रूट टू को बाहर निकालना है। एक बार मैंने आपको बताया था याद होगी तो आपको कि ये जो एलिमेंट आप बाहर निकालते हैं इसके बाहर निकलने की इम्पोर्टेंस केवल तभी तक है जब वो इन दोनों में पाया जाए। अगर इन दोनों में से किसी एक में ये मेंबर नहीं पाया जाता है तो इसको आप बाहर निकालें या ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि एक परंपरा रही है कि हम लोग फॉर्मूले के एक ट्रैक पे वर्क करते हैं, एक जैसा काम करते हैं जिससे वो हमको याद हो जाए, मेरे जहन में उतर जाए, इस कारण से इसको हम लोग यहाँ बाहर निकाल रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है रूट टू क्यू में नहीं है तो इसको सब्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना या ना निकालना कोई भी उस कंडीशन उस पर वैलिड नहीं होगी। चलिए आगे देखा जाए, इसके लिए रियल नंबर लाइन बनाई जाए। इसके लिए रियल नंबर लाइन बनाएंगे, ये रही हमारी रियल नंबर लाइन जिसको हम वापस से रेशनल नंबर लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं क्यू। ये है जीरो, ये है वन, ये है टू एंड सो ऑन, ये है माइनस वन, ये है माइनस टू एंड सो ऑन। अब देखिए रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, कुछ यहाँ पे रूट टू पाया जाएगा लेकिन वो क्यू का मेंबर नहीं है, वो भी चीज मैंने मेंशन कर दी है। रूट टू को सेंटर मान करके हम बहुत छोटा ओपन स्पेयर बना रहे हैं, ये रहा हमारा रूट टू को सेंटर मान करके बनाया गया ओपन स्पेयर। इसको हम लोग बोलेंगे रूट टू माइनस एप्साइलन, इसको हम लोग बोलेंगे रूट टू प्लस एप्साइलन। और इसको मैं डॉटेड कर दे रही हूँ जिससे ये आपको समझ में आए कि ये हमारा इंटरवल है।
फिर वही चीज एप्साइलन जोड़ने के बाद ये दोनों नंबर्स क्या रहते हैं वो हमको नहीं पता, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एप्साइलन। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं, इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर होंगे। उन रियल नंबर में से आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं रेशनल का और रूट टू को बाहर निकाल रहे हैं। जब इनफाइनाइटली मैंने रियल में से रेशनल को बाहर निकालेंगे तो आपको इनफाइनाइटली मैंने रेशनल मिलेगा, इनफाइनाइटली मैंने रेशनल मिलेगा और उन रेशनल में से आप रूट टू को बाहर निकाल रहे हैं। पता है रूट टू रेशनल नंबर नहीं है, इसमें से बाहर निकलेगा तब भी आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा और ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू फाइव आएगी। मतलब आपने देखा क्या कि जो पॉइंट क्यू में नहीं था वो भी इसके लिए लिमिट पॉइंट बनाने लग गया। मतलब जो पॉइंट क्यू में नहीं है वो भी लिमिट पॉइंट बना रहा है। क्यू में ना पाए जाने वाले एलिमेंट्स को आईआर में रखते हैं, मतलब आईआर के भी सारे एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट बनाएंगे। तो क्यू डैश की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्यू यूनियन आईआर हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो क्यू डैश की वैल्यू बराबर होती है आपके। ये पूरा प्रोसीजर जब आप आईआर पे लगाएंगे तो ठीक इसी तरह से वर्क करेगा। बस जहां जहां आप क्यू लेंगे वहां वहां आईआर दैट इज इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि चाहे रेशनल नंबर क्यू हो चाहे इरेशनल नंबर क्यू हो, दोनों के जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है आर। कंडीशन क्या है? यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस में किसी भी इंटरवल को ले लेते हैं तो उस इंटरवल के लिए लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। इसको मैं रब करने चल रही हूं। मान लीजिए इंटरवल के बारे में हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इंटरवल्स बेसिकली क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल होते हैं। अगर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल्स का आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी लेते हैं तो उसमें सेमी ओपन सेमी क्लोज टाइप के फॉर्मेट आते हैं। जैसे अगर हम यहां पे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, देखिए मान ले रहे हैं पहला इंटरवल है हमारा ओपन इंटरवल ए बी, दूसरा इंटरवल है हमारा सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी, तीसरा है सेमी क्लोज्ड ए सेमी ओपन बी, चौथा है क्लोज इंटरवल ए बी। इन सब के हम लोग डिराइव सेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका डिराइव सेट आता है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका डिराइव सेट भी आता है आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी, इसका डिराइव सेट भी आता है आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी और इसका डिराइव सेट भी आता है आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब हम इसके डिराइव सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे छोटा एग्जांपल ये लेके चल रहे हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए देखा जाए, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मान ले रहे हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी है हमारा, उसमें हम एक सबसेट लेकर के चल रहे हैं ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी, रियल नंबर लाइन पे बना रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो आपने बनाया है इंटरवल में ए और बी, ये दोनों हमारे कोई ना कोई रियल नंबर है, ये हमारी रियल नंबर लाइन है। इसमें हमने एक इंटरवल ले लिया है ए और दूसरा इंटरवल ले लिया है बी, वो दोनों इसमें पाए नहीं जा रहे हैं। हमको ए बी का डेरिवेटिव निकालना है, डिराइव सेट ऑफ ए बी निकालना है। मतलब देखना है कि आर के कौन कौन से पॉइंट्स इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट बनते हैं या इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट नहीं बनते हैं। हम इसको नाम दे रहे हैं कैपिटल ए का, कैपिटल ए हमारा यहां से यहां तक का हो गया। चलिए वही तीन बातें, या तो वो आर का एलिमेंट होगा या तो वो ए का एलिमेंट होगा या ए का एलिमेंट नहीं होगा। सबसे पहले हम ए के बाहर एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, मान ले रहे हैं एक्स हमारा इस कैपिटल ए के बाहर कोई एलिमेंट है। अब हम इसको एप्साइलन रेडियस मान करके ओपन स्पेयर बनाए, ये रहा वो ओपन स्पेयर एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन। आप देख सकते हैं कि ये इंटरवल ए के किसी भी पॉइंट को कॉमन नहीं रख रहा है,
चूंकि x के करस्पॉन्डिंग एक ओपन स्पेयर, ये ओपन स्पेयर है हमारा s x कॉमा एप्साइलन, एक ओपन स्पेयर हमको ऐसा मिल गया है जो a के किसी भी पॉइंट को कॉमन नहीं रख रहा है, मतलब s x कॉमा एप्साइलन माइनस इंटरसेक्शन a करने पर वैल्यू हमारी फाई आ गई, इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो इस इंटरवल के बाहर पाए जा रहे हैं वो इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट नहीं बना रहे हैं। अब हम इस इंटरवल के अंदर डिस्कस करेंगे और इस इंटरवल की बाउंड्री पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम एक पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लेते हैं एक्स। आप देख सकते हैं कि ये x जो a के अंदर है, अगर इसको सेंटर मान करके छोटे से छोटा एप्साइलन डैश रेडियस का ओपन स्पेयर बनाते भी हैं, तो भी ये ओपन स्पेयर इस a के ढेर सारे पॉइंट्स को खुद में रखेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम x को a के अंदर लेते हैं, एक्स हमारा इस इंटरवल में पाया जा रहा है, तो एक्स को सेंटर मान करके एप्साइलन डैश रेडियस का जो ओपन स्पेयर मिलता है वो इस ओपन इंटरवल ए बी से इंटरसेक्ट करने पर, एक्स को बाहर निकाल भी देने पर बहुत सारी वैल्यूज को खुद में कंटेन करता है, मतलब ये वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू फाइव आती है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक्स इस कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट बनाता है, मतलब एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बाउंड्री में इसकी लिमिट पॉइंट होगी, उसके लिए समझा जाए। बाउंड्री पे एक पॉइंट हमको ए दिख रहा है, एक पॉइंट बी दिख रहा है। जब हम ए को सेंटर मान करके एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे और उसको ए से इंटरसेक्ट कराएंगे, साथ ही साथ ए को बाहर निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा। मैं एक और डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दे रही हूं। ये देखिए, ये हमारी रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पे हम कह रहे क्या, एक इंटरवल ले लिए ए, एक इंटरवल ले लिए बी। अब हम ए को सेंटर मान करके एप्साइलन रेडियस का ये वाला ओपन स्पेयर बनाए हैं। ये है ए माइनस एप्साइलन, ये है हमारा ए प्लस एप्साइलन, और इसको हमने डॉट कर दिया। यहां से यहां तक हमारा कैपिटल ए है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स ए से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। इसका मतलब जब ये इंटरसेक्ट करेगा ए से तो हमको ये पॉइंट देगा ए कॉमा ए प्लस एप्साइलन, और इसमें से हम ए को बाहर निकालेंगे। तो आप पाएंगे क्या, ए को बाहर निकालने पर भी ये वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू फाइव आएगी, मतलब कहीं ना कहीं ये ए इस ए का लिमिट पॉइंट होगा, ये ए इस ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक इसी तरह से हम लोग शो कर सकते हैं कि बी को भी सेंटर मान करके जब हम एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे, इसको नाम देंगे बी माइनस एप्साइलन, इसको नाम देंगे बी प्लस एप्साइलन, ये पॉइंट्स मिलेंगे, ये भी ए से इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट आपको कॉमन देंगे, मतलब इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू फाइव। दैट मीन्स एस बी कॉमा एप्साइलन इंटरसेक्शन ए माइनस बी करने पर भी वैल्यू हमारी देगी नॉट इक्वल टू फाइव, इसका मतलब बी भी ए का लिमिट पॉइंट बनाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम ओपन इंटरवल ए बी की बात किए तो ए बी के डिराइव सेट में ए भी आया, इसके डिराइव सेट में बी भी आया, और इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आए, मतलब ओपन इंटरवल ए बी भी आया। आप कह सकते हैं इसमें पूरा पूरा हमको क्या मिल गया, क्लोज इंटरवल ए बी मिल गया। तो ए बी का जो डिराइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल ए बी होता है। ठीक इसी तरह से आप बाकी सबके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, बाकी सबके लिए भी जब आप निकालेंगे तो इसी तरह से कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेंगी। ये पूरा कंप्लीट सेशन था हमारा डिराइव सेट के लिए। हमने सारे सेट्स के लिए डिराइव सेट पढ़ लिया, नेचुरल नंबर के लिए फाइव, इंटीजर्स के लिए फाइव, होल नंबर के लिए फाइव, सेट ऑफ रेशनल इरेशनल और रियल नंबर के लिए कैपिटल आर, बाकी सारे इंटरवल्स चाहे वो सेमी ओपन हो चाहे सेमी क्लोज्ड हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो,
उनके डिराइव सेट क्लोज सेट्स ही मिलते हैं। अब कल से हम लोग क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं हमारे क्लोज सेट्स, क्या होते हैं उनपे बेस्ड थ्योरम्स। अगर आपको मेरा पेज पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू। हैप्पी लॉकडाउन।